हमें क्या करना है, पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर आना है। अगर पर्सनल हाउस एक्सपेंस के ऊपर हमने अपना एक्सपेंस मेंशन कर देना है, टैक्स ईयर 22 का जो भी हमारा होगा, और रेट एंड टैक्सेस के ऊपर जो हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ वो हमने यहां मेंशन कर देना है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ये टोटल कैलकुलेट हो गया 12,60,973 रुपए। और फिर हमने क्या करना है, पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के ऊपर आना। कैश के अंदर जो चेंज हुआ है वो हम कैश के ऊपर चेंज कर देंगे, और बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो चेंजेस आई हैं वो भी हम कर देंगे। जो 30 जून के अंदर बैलेंस होगा हमारे पास वो हमने यहाँ मेंशन कर देना। इसी तरह हमारे पास जो कैश 30 जून के अंदर जो हमारे पास कैश अवेलेबल होगा वही वैल्यू हमने यहाँ मेंशन करनी है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। फिर क्या करना है जी, हमने रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आना है। नॉर्मल टैक्स के ऊपर हम जो इनकी नॉर्मल सैलरी आई थी 11 लाख समथिंग, वो हमने यहां मेंशन कर देनी है। ठीक है, और एग्जम्प्टेड अमाउंट हमने यहां मेंशन कर देना है 79992। प्रॉफिट जो ड्यूरिंग द ईयर हमें मिला है बैंक की तरफ से वो हमने फाइनल एंड फिक्स के अंदर मेंशन कर देना है। इसको कैलकुलेट कर देंगे, एक रुपए का फर्क आया तो कहीं हम कम या ज्यादा करके इसको रिकंसिलेशन कर देंगे, इसको रिकंसाइल कर देंगे। ठीक है, ठीक है जी, ये हमारा पूरा रिकंसाइल हो गया नेट एसेट्स भी। वेरिफिकेशन के ऊपर आते हैं, और वेरिफिकेशन के ऊपर आने के बाद हमने क्या करना है, पिन यहाँ पे मेंशन कर देनी है अपनी। ठीक है, एट्रीब्यूट के ऊपर आके रेसिडेंट स्टेटस बता देंगे कि क्या है, हम रेसिडेंट हैं कि नॉन रेसिडेंट, तो रेसिडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, हम डेटा पे दोबारा आएंगे, सेव करेंगे, सबमिट कर देते हैं इसको। एक बार चेक कर लें फिर से, और सेव एंड सबमिट। ठीक है, तो इसको हम सबमिट कर देते हैं। ये हमारा 2022 का भी रिटर्न हमने सबमिट कर दिया, और कंप्लीट टैक्स और डिक्लेरेशन, और ये देखें टैक्स ईयर 22 का भी हमारा रिटर्न हमने सबमिट कर दिया। इसको व्यू कर लें एक नजर, और इसका प्रिंट आउट निकाल लें। ठीक है, इसके बाद हम इंशाल्लाह इसका ATL का चलान बनाएंगे। तो ATL का चलान कैसे जनरेट होगा हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। और हमें जो 2015 से लेकर 2022 तक ये नोटिसेज आए थे, हमने लेक्चर बाय लेक्चर इन चीज़ों को देख के, यानी कि हमने इनके रिटर्न फाइल किए, और डिपार्टमेंट की तरफ से जो क्वेश्चन आए हुए थे हमने उनके जवाब दिए, जो नोटिसेज आए हुए थे उनके हमने जवाब दिए। इस लेक्चर के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसी का ETL का चलान किस तरह जनरेट होगा, हम किस तरह इसको जमा करवाएंगे। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।